भाई मेरी फिलॉसफी तो सिंपल है, जब कोई खाना खाना शुरू करे तो ये ना हो कि शुरू किया और बस खत्म। अरे भाई जब खाने वाला खाना खा रहा हो तो दो नवाले चखे और बोले कि भाई वाह ये खाना बनाया किसने। अब शुरू करो, प्लेट सीधी करो। कांटा लेफ्ट हैंड में। वैसे आंटी आप जानती है कि ऐसे मौके एक शेफ को बहुत कम मिलते हैं कि जब वो खुद डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से खा रहा हो और कोई परोस रहा उसे। अब तुम्हारे मुकाबले का तो नहीं होगा, लेकिन जैसा तैसा बना है खा लेना। ये तो ऐसे ही बोल रही है, मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, देखना सारे टेबल मैनर्स भूल के उंगलियां चाट चाट के खाओगे। देख लेते। क्या है ये, एकदम बकवास खाना है, खाना बोलते हैं इसे। सब्जी पसंद नहीं आई, रुको दाल खा के देखो। लो एकदम फीकी है, बकवास। खाने में जायका नहीं है, जायका नहीं है। अरे आंटी जायका तो दूर की बात है, ये गले से नीचे नहीं उतर रहा है। ओ हेलो, ये खाना मेरी मम्मी ने अपने हाथ से बनाया, तो इज्जत करो उस बात की। और तुम्हें खाना पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि खाना बकवास बना है। ओ भाई साहब, आप ये जो बोल वचन दे रहे हैं ना, आप बिना चखे दे रहे हैं, जरा खा के देखिए और फिर बताइए। मुझे खाने की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि मेरी मम्मी के हाथ का बना खाना कैसा है, मुझे पता है कि अच्छा ही बना है। डिजास्टर, वाहियात, दैट इज द वर्ड। आई एम सॉरी आंटी, पर गले से नीचे उतर ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि आप भी ना खाओ ना तो बेटर ही है। बेटा पुलाव खा के देखो। फीका, एकदम फीका, टेस्ट ही नहीं है। तुम्हारी माँ के हाथ का ना हर खाना बना बकवास है। बस तब से देखे जा रहा हूं तुम बकवास किए जा रहे हो, कुछ भी पक रहे हो। मेरी मम्मी का खाना वर्ल्ड का बेस्ट खाना है। ओ भाई साहब, दुनिया के हर बच्चे को ना यही लगता है कि उसकी माँ बेस्ट शेफ है, और अगर हर माँ बेस्ट शेफ बन जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। माँ माँ होती है, शेफ शेफ होता है। शेफ हो या माँ, टेढ़ी उंगली से घी निकालती है ना, तो फर्क क्यों कर रहे हो। अरे आंटी उस घी से बनता क्या है, वो तो फर्क पड़ता है कि नहीं। अरे माँ रात का बचा हुआ खाना सुबह खा लेती है, उसकी मानता है, लेकिन उस रात के खाने से एक शेफ नई डिश बना ले, ये उसका टैलेंट है। ये टैलेंट सिर्फ तुम में नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ। रहने दो, आया बड़ा मिस्टर लॉकडाउन शेफ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, चैलेंज दे सकता हूँ तुम्हें इसमें। मुझे एक फाइव स्टार होटल के हेड शेफ को तुम चैलेंज करोगे। दिया, चैलेंज दिया, मंजूर है। बेटा मंजूर है, मंजूर है। अरे अब क्या चैलेंज वैलेंज के चक्कर में पड़ गए, खाओ पियो मजे करो। अब तो चैलेंज होके ही रहेगा, देख लेते हैं। दिल्ली वर्सेस रतलाम, तो ठीक है शुरू करते हैं। ठीक है आंटी, पर अभी नहीं, शाम को, अभी काम पे जाना है। एंड मिस्टर लॉकडाउन शेफ, इरादा बदल मत देना। ओके डन। सक्सेसफुल, क्या सुना के गया वो आपको। सास खड़ी सुन रही थी और तुझे मजे आ रहे थे। तो नकली का था ना मम्मी, अगर असली का होता ना तो और भी ज्यादा मजा आता। मजाक कर रही हूँ, चिल मम्मी। चलो वैभव मान गया खाना बनाने के लिए, अब दोनों के बीच में शेफ कंपटीशन होगा, और अगर वैभव ने उससे बेहतर खाना बनाया तो उसे हिम्मत मिल जाएगी ये काम करने की। वैसे आपने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी,
बस थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो गई मम्मी। अरे वो ओवर एक्टिंग नहीं थी, मैंने सचमुच पुलाव बहुत अच्छा बनाया था, बाकी सारा खाना खराब बनाया था सिवाय पुलाव के। अच्छा समझ गई, तूने ही उससे कहा होगा टेबल पे कुछ भी आ जाए उसकी बुराई करना। नहीं मम्मी जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो उसने मेरे पुलाव की बुराई कैसे की? मेरे पुलाव की बुराई की? रिलैक्स मम्मी, रिलैक्स। अरे रिलैक्स। कैसे रिलैक्स? मेरे पुलाव की रेसिपी लोग मांग मांग के लेके जाते हैं, इंदौर से बेबी मौसी फोन करके रेसिपी लेती है, और ये कितना भी गुस्सा हो मेरा पुलाव खाते ही शांत हो जाते हैं। उसने मेरे पुलाव की बुराई की, मेरे पुलाव की। मम्मी शांत, लंबी सांस लो। नहीं हो रहा है, नहीं छोड़ूंगी मैं। मम्मी मुझे लगता है आपका पैतरा आप पे आजमाना पड़ेगा। चलो ये खोलो गुस्से की पोटली और अब सारा गुस्सा सारी नाराजगी डाल दो इसमें। चलो चलो डालो, लो और बांध दो गांठ। आपने क्या कहा था मुझे? क्रोध मनुष्य को भटका देता है, इसलिए खुद को नहीं क्रोध को भटकाओ। चलिए बोलिए। क्रोध मनुष्य को भटकाता है, इसलिए खुद को नहीं क्रोध को भटकाओ। वेल डन। और अब ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि शाम को सबको घर से बाहर कैसे रखें। और सबसे जरूरी इन्हें, अगर इनके रहते इन्होंने सुनील और वैभव को खाना बनाते देखा ना, तो वैभव के साथ साथ सुनील की भी खाट खड़ी कर देंगे। जिंदगी भर के लिए कुकिंग भूल जाएगा वो। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हो गई तुम्हारी मीटिंग? और कितना टाइम लगेगा? हाँ ठीक है, मैं भी बाहर ही थी, वो मम्मी जी ने कुछ सामान लेने भेजा था। ओके ठीक है। भाभी लीजिए। ये क्या है? वही जो खाना आपने ऑर्डर किया था, हमेशा की तरह मेरे घर डिलीवर हो गया। अब से नहीं होगा, मैं एड्रेस चेंज कर दूंगी। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे रूडली क्यों बात कर रहे हो? तो और क्या करूँ, तुमने और तुम्हारे पापा ने जो मिलके मम्मी जी के बर्थडे पार्टी के दिन करवाया, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें गले से लगाऊंगी? भाभी मैंने कुछ नहीं करवाया, जो भी करवाया मेरे पापा ने करवाया। ट्रस्ट मी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, इसमें मेरी क्या गलती है? पूरे रतलाम में सिर्फ आप ही थी जिसको मैंने अपना दोस्त माना था। आप भी मेरा साथ छोड़ देगी, वो भी उस गलती के लिए जो मैंने की ही नहीं है। प्रीति तुम प्लीज रो मत, इट्स ओके। क्यों ना रो? मेरे ना कभी स्कूल में भी दोस्त नहीं बने, ना कभी कॉलेज में बने, पर अब जाके आप जैसी एक दोस्त मिली थी, वो भी चली जाएगी। इतना दुख तो मुझे वैभव से शादी टूटने पे भी नहीं हुआ था जितना आपकी फ्रेंडशिप टूटने पे हो रहा है। प्लीज भाभी मुझसे बात करना बंद मत कीजिएगा, प्लीज प्लीज इट्स रिक्वेस्ट। अरे ठीक है, तुमसे नहीं करूंगी बात बंद, तुम टेंशन मत लो, और प्लीज अब रो मत। सच्ची? सच। थैंक यू भाभी, थैंक यू। जो गलती तुमने की नहीं उसकी सजा मैं तुम्हें क्यों दूंगी? अब छप, मुझे शॉपिंग के लिए लेट हो रहा है, ये तुम ही रख लो मेरी तरफ से, तुम भी क्या याद रखोगी। बाय। याद तो आप मुझे रखोगी माया भाभी। जा 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 जा। अरे इतना क्या पीछे पड़े हो, कल चली जाऊंगी ना। अरे कल क्यों? इस ब्यूटीफुल फेस पे ब्यूटीफुल ग्लो मैं आज देखना चाहता हूँ। कल सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएंगे। अगर दामाद जी अदिति को बाहर नहीं भेज पाए तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, डिस्काउंट तो मैंने आज के लिए लिया है ना रूही ब्यूटी पार्लर से। अरे ओपनिंग डिस्काउंट बहुत जुगाड़ से मिलता है, जा 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 जाओ ना। हाँ वैसे भी मैंने ना उसके बारे में बहुत तारीफ सुनी है, उस पार्लर के बारे में। जाओ। एक कैंडिडेट पक गया, पार्लर भेज दिया अदिति को। मैंने भी माया को सामान लाने बाजार भेजा है, उसे भी आने में टाइम लगेगा,
लेकिन साले साहब, नहीं नहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरी बात हो गई रोहित भैया से, उनकी उनके बॉस के साथ कोई लंबी सी मीटिंग है। चलो अच्छा है। सासू माँ, पूरा गांव तो चला गया लेकिन सरपंच डैडी जी वो तो यही है। अरे हाँ, उन्हें भी तो भेजना है। वही तो। हाँ चौधरी। सासू माँ, कुछ सोचिए मम्मी, यही मौका है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। दामाद जी बताइए क्या करें। Keep quiet. हाँ, इनके सामने चुप रहना ही समझदारी है सासू माँ, कहीं झूठ पकड़ा गया ना वोल्केनो फट जाएगा इनका। लक्ष्मी माँ कोई रास्ता दिखा दो। ठीक है, तू एड्रेस भेज दे, मैं पहुंचता हूँ। डैडी जी, ऑल वेल डैडी जी। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं सोच रहा था बहुत दिन हो गए वॉक नहीं किए, थोड़ा वॉक करके आता हूँ। और वहाँ पार्क है ना, तो वहाँ थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लूंगा। एक्सेलेंट, आपने तो मुश्किलें आसान कर दी। शरीर की मुश्किलें आसान कर दी। अब आती बीमारियों का इलाज तो एक्सरसाइज से ही होता है ना, है ना जीजा जी? हाँ तो हाँ, जाइए पापा। गुड, वेरी गुड। और सुनिए, तसल्ली से आराम से टाइम लगा के व्यायाम कीजिए। तुम लोग ऐसे भेज रहे हो जैसे मैं कोई परीक्षा देने जा रहा हूँ। जाऊं? एक्सरसाइज क्या है रोहित, कहाँ रह गया? माया, बस 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 इधर ही। हाँ, मैं दूध का पाउडर पहुंचा दूंगा घर पे। हाँ, अपना पैसा एडजस्ट हो गया। कैसी हो? कभी तो टाइम पर आ जाया करो रोहित, कब से यही घड़ी वेट कर रही हूँ। माया, मुझे ऑफिस में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया और फिर ये रिक्शा भी नहीं मिल रही थी। बस यही करते रहेंगे हम जिंदगी भर, रिक्शा और टैक्सी का वेट। वैभव की शादी में सेकेंड हैंड गाड़ी तो ले ली थी तुमने, लेकिन वो भी तुम्हारी हरकतों के चक्कर में हाथ से चली गई। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ ना, आ जाएगी गाड़ी। चलो रोहित, इतनी सी सैलरी में बस आ गई गाड़ी। देखो मैं अभी भी बोल रही हूँ, पापा कहते रहते हैं मुझसे घर में दो दो गाड़ी खड़ी है, एक उनसे ले लेते हैं। बस बस माया, मैंने पहले भी कहा कि इस टॉपिक पर चर्चा नहीं करेंगे। अगर मैं गाड़ी लाऊंगा तो अपने पैसों से लाऊंगा, तुम्हारे पापा के पैसों से मुझे गाड़ी नहीं लानी है। मैं खुददार आदमी हूँ यार। हाँ, पर उनकी बेटी को टॉर्चर जरूर करता रहूंगा पैदल घुमा घुमा कर। ना घर में तुम्हारी चलती है, ना ही तुम खुद से कुछ करते हो रोहित। रोहित, I'm really sorry. तुम्हें सुनाना नहीं चाहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी लाइफ पे तो रिवर्स गियर लग गया है। डिस्काउंट के बिना शॉपिंग नहीं कर सकते, आधी से ज्यादा चीजें हम सेकेंड हैंड खरीदते हैं। ऊपर से हमारा घर कितना ज्यादा पुराना है। घर हमारा? माया, पुराना है तो क्या, करोड़ों का घर है वो। कीमत देखिए उस एरिया की। क्या? हाँ, करोड़ों का घर है सच में? अरे कोई छोटा मोटा घर नहीं है, अच्छा खासा बड़ा घर है हमारा। और माया, अभी तो वहां से ना मेट्रो लाइन भी पास होने वाली, फिर तुम देखना घर सिर्फ डबल नहीं ट्रिपल कीमत का हो जाएगा। तुम जस्ट सोचो इतने बड़े घर की क्या वैल्यू आएगी। अरे सोना है, मैं तो बोलता डायमंड है, डायमंड अपना घर। अभी सिर्फ वो दाऊजी के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, थोड़े सालों में वो सॉल्व हो जाएगा, फिर सब अपना। इतनी वैल्यू है हमारे घर की? इस बात का आइडिया तो घर में सबको होगा, मतलब श्रेया को भी पता होगा। वैसे क्या कीमत है हमारे घर की? माया, घर की कीमत को छोड़ो ना, मेरे पेट की कीमत को समझो ना। बहुत भूख लगी है मुझे, दोपहर से मैंने कुछ नहीं खाया है। एक काम करते, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में तुम्हें डिनर करवाता हूँ। चलो। क्या रोहित, कहीं भी शुरू हो जाते हो, मार्केट में हम। अरे मेरी बीवी यार, मैं कहीं भी मतलब। अरे वाह,
मम्मी हो गई तैयारी। सासु माँ सारा एकदम सेट है, आप बोलिए तो खाना भी मैं ही बना दूं। नहीं नहीं आप रहने दीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ यस यस, खाना मेरा बेटा ही बनाएगा। माँ नहीं नहीं माँ क्या हुआ सविता, किस दुविधा में हो? माँ आपने सुन लिया? आप मन की बात तो सुन ही लेती है, बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। माँ मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन बहुत बेचैन है। वैभव जीत तो जाएगा ना, वो अपने हुनर को पहचान पाएगा ना। आपको तो सब चीजें पहले से ही पता होती है, बताओ ना माँ। तुम्हें पता है सविता, एक बार महर्षि भृगु ने विष्णु जी की छाती पर लात मारी थी। अच्छा, उसके पश्चात विष्णु जी ने सबसे पहले क्या किया? विष्णु जी ने स्वयं महर्षि भृगु के चरणों पर औषधि लगाई थी, क्योंकि विष्णु जी की छाती पर लात मारने से महर्षि भृगु के पैरों को चोट पहुंची थी। विष्णु जी ने अपने गुणों के अनुसार सहनशीलता दिखाई। विष्णु जी ने एक ऋषि के सम्मान का ध्यान रखा। इस प्रकार उस दिन क्रोध की हार हुई और स्नेह की जीत। महर्षि भृगु ने विष्णु जी को त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ देव घोषित किया। कभी कभी छोटी हार आपके लिए बड़ी विजय की द्वार खोल देती है। कहने के लिए विष्णु जी हारे थे, किंतु वो हार कर भी जीत गए थे। ये क्या कह गई माँ, सीधा सवाल पूछा था, गोल गोल जवाब दे के चली गई। अरे यार निरंजन पी ना। अरे पी, इतना क्या सोच रहा है? अरे यार मैं कोई नहीं देख रहा, मैंने कहा ना ये सब मैंने बहुत साल पहले छोड़ दिया और आजकल मेरा इलाज भी चल रहा है। हम तो काम की बात कर रहे थे ना, वैभव की नौकरी की, उसका क्या? अरे यार अब क्या हुआ? अरे यार मेरा ड्राइवर किसी काम से छुट्टी लेकर गया और मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, अब मैं घर कैसे जाऊं? तुझे गाड़ी चलाना नहीं आती? वो क्या है ना, जब तुमने कड़कती ठंड में मुझे सिर्फ एक निक्कर में दौड़ाया था ना, तो मैं गाड़ी में जाकर सो गया था। तो तब से पता नहीं मुझे गाड़ियों से अजीब सी नफरत हो गई, तभी मैंने सोच लिया था कि कभी गाड़ी चलाना नहीं सीखूंगा। ठीक है चाबी दे, मैं चला लेता हूँ, तुझे घर छोड़ देता हूँ और गाड़ी में वैभव की भी बात कर लेंगे। ये वही ना असली दोस्त वाली बात, ये ले। अरे चौधरी साहब, आपसे तो अपॉइंटमेंट लेना ही मुश्किल हो गया। वो हाईवे वाले प्रोजेक्ट के बारे में कब बात कर रहे हैं हम लोग? आज कर लो, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। तो अभी कर ले। हाँ तो ठीक है, अभी चलो ना मेरे साथ, मैं घर ही जा रहा हूँ, रस्ते में आराम से बात कर ले। आओ। चलो ड्राइवर। मैं ड्राइवर नहीं हूँ। अरे यार निरंजन क्यों बहस कर रहे हैं यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? रस्ते में वैभव के बारे में भी तो बात करनी है। चलो चलो जल्दी चलो। फ्रिज में जो भी सब्जियां थी, जो भी सामग्री थी, आप दोनों के सामने है। आपको इससे एक चीज बनानी है और दोनों को एक घंटा मिलेगा। जो भी अच्छा बनाएगा वो होगा आज का विजेता। हम तीनों तय करेंगे कि आज का विजेता कौन होगा। तो शुरू करें? टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक मिनट, मैं किस लिए आया हूँ? मैं बोलूंगा, योर टाइम स्टार्ट नाउ। दोनों को तैयार हैं,
हमारे घर का कुक अभी तक सोच रहे हैं कि क्या बनाए क्या बनाए। ये कांदे से शुरुआत हुई है, घर का कुक तो लगा हुआ है। फाइव स्टार का कुक गाजर निकालते हुए बहुत बढ़िया से तैयार। ओह माय गॉड, क्या स्टाइल में गाजर कटिंग हो रहा है। घर का कुक भी बहुत मेहनत से लगा हुआ है। कभी देखा है वैभव को किसी काम में इतना खो जाते हुए? खाना बनाते वक्त उसे कुछ याद नहीं रहता, माँ भी नहीं। और जैसे खाना से ध्यान हटेगा तो पहले बीवी नजर आएगी, फिर बेचारी माँ का नंबर लगेगा। अच्छा, तो मुझसे पहले नंबर लगा रही हो? नहीं नहीं मम्मी, मैं नहीं लगा रही, मैं तो सिर्फ वैभव की प्रेफरेंस बता रही हूँ। वैभव की लिस्ट में आज भी मेरा नंबर सबसे ऊपर है। अच्छा, फिर मम्मी मुझे लगता है आपने बहुत दिनों से उसकी लिस्ट पढ़ी नहीं है। कितने पागलपंती से वो इस काम में घुस जाता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ शेफ ही बने और कुछ नहीं। ये लीजिए मम्मी। तुझे भी जरूरत है, क्यों छुपा रही है? कि क्या बनाए क्या बनाए। ये कांदे से शुरुआत हुई है, घर का कुक तो लगा हुआ है। फाइव स्टार का कुक गाजर निकालते हुए बहुत बढ़िया से तैयार। ओह माय गॉड, क्या स्टाइल में गाजर कटिंग हो रहा है। वैभव के लिए ये कंपटीशन बहुत जरूरी है, जीत गया तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी अपने शौक को अपना काम बनाने की। क्या टाइम अप? एक मिनट, कितना टाइम हुआ अभी? सच्ची में टाइम अप? अब जो है दोनों कैंडिडेट्स अपने अपने डिश को तैयार रखें और मिलवाता हूँ हमारे रतलाम शेफ चैंपियनशिप के जजेस सुखसागर नमकीन की सविता जी, उनकी बहू श्रेया जी एंड मायसेल्फ दामाद जी, आके बताएंगे कैसा है। प्लीज आइए। चौधरी यार, अब तो बात कर ले। यार मैं सचमुच बहुत ज्यादा थक गया, अब वो एनर्जी का रही जो पहले थी जब तुमने मुझे कड़कती ठंड में सिर्फ एक निक्कर में मुझे पूरे हॉस्टल में घुमाया था। कल सुबह आ जा, आराम से बैठकर तेरे बेटे की नौकरी की बात करते हैं। गुड नाइट। अरे सुन यार, 5 मिनट लगेंगे, छोटी सी बातें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तेरा। बड़े लोगों के पास ना 1 मिनट भी फालतू नहीं होता। तू नहीं समझेगा, चल कल आना। अपने बेटे के लिए सब सह रहा हूं चौधरी, देखना एक दिन मेरा बेटा तेरे से बड़ा आदमी बनेगा, फिर दिखाऊंगा तुझे। जजेस लेट्स ईट। चीटिंग मत कीजिएगा, जिसका वाकई में अच्छा है उसे जिताइएगा। पूरे शहर में हमारी सासू माँ जैसी ईमानदार लेडी नहीं मिलेगी सुनील बाबू। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई चीटिंग नहीं होगी, जो ज्यादा डिजर्विंग होगा, जिसका खाना ज्यादा टेस्टी होगा वही जीतेगा। लीजिए।
साले साहब कमाल है गुरु, कमाल बनाया। इतना अच्छा हुनर कहाँ छुपा के रखते हो यार? बहुत ही अच्छा बना है। टू गुड। अरे अरे, आप लोग तो ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे जीत ही गए हो। अरे भाई जरा जरा हमारा भी चक्के देखिए। अरे बोलो मम्मी, श्रेया, जीजा बताओ कैसा है, किसका बेटर है? दोनों के पास वही सामग्री थी, दोनों के पास उतना ही समय था और दोनों ने ही अच्छा बनाया है। वैभव तुमने तो कमाल बनाया है। और आज के जो विजेता है वो है सुनील। यस आई न्यू इट। हमने कहा था ना कोई चीटिंग नहीं होगी। साले साहब, सासुमा इज राइट, आपने कमाल का बनाया था लेकिन सुनील बाबू ने धमाल कर दिया। आज मेरा वोट इनको ही। मेरा वोट भी सुनील को ही जाता है। थैंक यू, आज आपने साबित कर दिया कि टैलेंट अपनी जगह है और परिवार अपनी जगह। अरे इतना उदास मत हो, लो तुम भी चपके देख लो मैं किस टैलेंट की बात कर रहा था। जरा मैं भी चख के देखूं कि इतनी तारीफ किसकी हो रही थी। इट्स एक्चुअली गुड, आई मीन ये तो वाकई में अच्छा है ना। ऐसे थोड़ी साले साहब को चने के जार पे चढ़ा रहे थे। He's talented, गुरु। अरे मुझे तो लगा सिर्फ इनका मन रखने के लिए इतनी तारीफ करो, लेकिन इट्स एक्चुअली गुड। टैलेंट है तुम में? No, I'm actually serious. ये खाना कोई कोई टाइम पास या शौक के तौर पे बनाने वाला नहीं है, बहुत पैशन से बनाने वाला है। देखो मैं तुम्हें लाइटली ले रहा था लेकिन तुम इस बात को लाइटली मत लेना, तुम में है वो बात। और ये तारीफ तुम्हारी मम्मा, तुम्हारी वाइफ या तुम्हारा जीजा नहीं बल्कि एक 5-स्टार का हेड शेफ कर रहा है। जिंदगी में दो चीजें कभी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, एक टाइम और एक टैलेंट। Think about it. चलता हूं आंटी। थैंक यू आंटी, इसकी पकाऊ कंपनी होने के बाद भी मजा आ गया। आंटी सॉरी, सुबह आपके खाने की बुराई की उसके लिए मेरी सॉरी। चल खड़ूस, चलता हूं, बाय। क्या हो गया? अरे मूड क्यों खराब है आप लोगों का? उदास ही होंगे ना, जिस काम के लिए पूरा कार्यक्रम आयोजन किया गया था उसका तो कुछ रिजल्ट आया नहीं। यूं ही नहीं ये बेचारी कंपटीशन रखवाई थी अपने भाई के साथ, इन दोनों का प्लान था भाई, ताकि तुम ये कंपटीशन जीतोगे तुमको मास्टर शेफ बनने की प्रेरणा मिलेगी, नई जोश आएगी। तुम तो हार गए गुरु। मुझे मोटिवेट करने के लिए? बड़े क्यूट हो आप लोग, मतलब आज सुबह से जो कुछ भी सुना है आप लोगों ने वो मेरे लिए। मम्मी मतलब आपने अपने खाने की इतनी बुराई करवाई मेरे लिए, और तुम अपने उस कजन को एक सेकंड नहीं झेल सकती, इतना बर्दाश्त किया मेरे लिए। वाह यार, मुझ गधे के लिए
जो कि कभी आप लोग की बात नहीं मानता, है ना? और एक आप लोग हैं जो कभी नहीं रुकते, हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़े रहते हैं, मेरा साथ देते हैं, मुझ में कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते। कमाल हो यार आप लोग, कमाल। अरे अरे भाई, इतनी दुखी क्यों हो? मुंह लटका के क्यों खड़े हो? भाई किसने कहा कि जीत कर ही आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है? हार के भी तो मिल सकती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जब तक इंसान हारता नहीं ना, वो जीतने की आग नहीं आती उसके अंदर। आज अगर मैं जीत जाता तो शायद खुश हो जाता और फिर भूल जाता, पर अब नहीं भूलूंगा। कहना क्या चाह रहे हो तुम? यही कि मैं अब शेफ बनूंगा। अपना पैशन, अपनी कॉलिंग सब परस्यू करूंगा। मुझे पता है कि जिंदगी में क्या करना है अब, और अब किसी भी कीमत में अपना ये सपना पूरा कर ही रहूंगा। मम्मी और श्रेया, आज ये जो मेरी हार थी ना, आप दोनों की और मेरी जीत थी, असली जीत। कभी कभी छोटी हार आपके लिए बड़ी विजय के द्वार खोल देती है। कहने के लिए विष्णु जी हारे थे, किंतु वो हार कर भी जीत गए थे। तो ये मतलब था लक्ष्मी माँ का। तालियां! नाउ प्रेजेंटिंग इस घर के चिराग, मास्टर साहब वैभव तोसनीवास। वैभव शेफ, वैभव शेफ। शेफ नहीं, सेफ। जिसके सर पे सासू माँ जैसी माँ का हाथ है, आप जैसे मान पिता का साथ है, श्रेया जी जैसी वाइफ का साथ हो, क्या बात हो, तो वैभव सेफ है। हाँ। इसलिए सेफ। दामा जी आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ इस वक्त। ये सब क्या है? आप होते ना बहुत मजा आ जाता, ये दोनों सास बहू में कंपटीशन हो गया कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं तो वैभव को जज बना के बिठा दिया, अभी माँ और बीवी के बीच में फंस गया। कौन अच्छा बनाए कैसे बताएगा, बताइए। आप बोल रहे आप दामाद जी कंपटीशन हारा जीता जज, अच्छा तो बताओ जीता कौन? तो कौन जीत, कौन जीत? ड्रॉ हो गया। ड्रॉ हो गया, पता नहीं भाई, मैं बहुत थका हुआ, मैं जा रहा हूं। वैभव बताओ ना। माँ परे, बच्चे। वैभव तुमने वहां डैडी जी को क्यों कुछ नहीं बताया? क्या? अपने दिल की बात जो तुमने मम्मी और मुझे बताया कि तुम शेफ बनना चाहते हो और वही तुम्हारा पैशन है। मैं पापा को बताऊं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मम्मी देखो ना कैसे घबरा के खड़ा है, उसने वहां कुछ नहीं बोला, आप ही बोल देती। इतना आसान नहीं है उसके पापा के सामने बोलना। बताओ इसे। पूरा बचपन निकाल दिया इसने वनीला खाते खाते, पसंद इसको बटर स्कॉच थी, लेकिन नहीं बोल पाया पापा के डर से। सुना, मतलब मैं अपने चॉइस का आइसक्रीम फ्लेवर तक नहीं बता पाया पापा को, अपने चॉइस का करियर ऑप्शन क्या बताऊंगा? वैभव मतलब तुम आज तक डर के मारे वनीला आइसक्रीम खा रहे हो? नहीं, मैं मम्मी को बता दिया था बाद में मैंने। हाँ तो आपने की ना इसकी प्रॉब्लम सॉल्व, तो आज भी आप ही कर दीजिए। हाँ करेंगे, सही वक्त आने पे करेंगे। क्या ही? वो कुकिंग स्कूल बताया था ना मैंने, उसके एडमिशन फॉर्म। टैलेंट तो है जनाब में,
बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए इसको कुकिंग स्कूल जाना पड़ेगा। थैंक यू श्रेया। वैभव, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत है? किसी की जिंदगी में आना एक बात होती है और किसी की जिंदगी बनाना बहुत बड़ी बात। थैंक यू। ये तो सोता ही रहता अगर तू उसे जगा के रसोई तक ना लाती तो। और ये एडमिशन के लिए फाइनेंशियल पेपर्स, इस पे मदर और फादर की साइन लगेगी फीस भरने के लिए। मदर तो कर देगी, फादर का क्या करोगी? हाँ वैभव, हिम्मत जुटाओ और जाओ जाके बात करो पापा से। नहीं 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 मम्मी, मैं मम्मी, मैं पापा को नहीं। ठीक है, तुम नहीं तो मैं जाके बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं, झांसी की रानी बन जाती हो, हर बात के लिए घोड़ी पे सवार। मम्मी, पर किसी को तो सवार होना पड़ेगा ना। आपसे उम्मीद थी पर आप भी डर गए। मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। डरे जी आप? देखा, डर गई ना। अच्छा सॉरी सॉरी मम्मी, पर कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। बस एक ही रास्ता है वैभव। मम्मी, जो काम तू दुनिया के लिए करने जा रहा है उसकी शुरुआत अपने पापा से कर ले। बना दे कुछ अच्छा सा और खिला दे उन्हें, और जब वो स्वाद में खो जाएंगे तब उन्हें बताएंगे। हम अपना मुंह तभी खोलेंगे जब उनके मुंह से वाह निकलेगा। मेरा काम अपने आप हो जाएगा। सुपर आइडिया मम्मी जी। जिसको चाहो मैं उसका भला, तुम ही इस दुनिया की 64 कला। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला, तुम ही कमला विमला तुम मंगला। तो अंततः वैभव ने अपनी क्षमता को पहचान ही लिया। हाँ माँ, और जब उसने मुझसे कहा तो मेरी भी समझ में आ गया कि उसका कितना मन है इस काम में, और आज तो वो अपने पापा को इस बारे में बताने जा रहा है। माँ, ये वैभव को मनाने के लिए, और जब उसके पापा मान जाएंगे तब एक और पत्ते निकालूंगी। सविता, तुमने लक्ष्मी का धन्यवाद किया? वही तो कर रही हूं मां, मैं अपनी बात नहीं कर रही। सविता, ये माघ शीश का महीना है, इस महीने को अत्यंत पवित्र मानते हैं। विष्णु जी और मुझे प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना। और इसी महीने में तुम ये भूल कर रही हो। कैसे भूल मां? लक्ष्मी को पहचानने की। सविता, तुम और श्रेया दोनों ही लक्ष्मी हो। यदि तुम्हें मुझे प्रसन्न करना है तो श्रेया को इस घर की लक्ष्मी के समान सम्मान देना होगा। तभी तुम दोनों मिलकर इस माघ शीश महीने का पूरा लाभ उठा पाओगी। माँ, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, लेकिन आपको पता है मेरी माँ क्या कहती थी? जल की मछली जल में ही भली, सर पे चढ़ी तो खलबली। घर की लक्ष्मी है तो क्या हुआ, सर पे तो नहीं बिठा सकती ना। सास बनकर देखोगी तो ऐसा ही लगेगा सविता, यदि माँ बनकर देखोगी तो यही बहू सर पर चढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी, तुम्हारे सर को मान सम्मान से ऊंचा करती हुई दिखाई देगी। माँ, मैं हमेशा आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलती हूँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। मैं मछली को सर पे, मेरा मतलब है बहू को सर आंखों पे बिठा के रखूंगी, और आप देखना 24 घंटे के अंदर वैभव के पापा को भी मना लूंगी। आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना।
हाँ ओके अदिति, मैं घर पहुंच के बात करता हूँ। अरे बात करते रहोगी तो अगला करवा चौथ नहीं मना पाओगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे स्कूटी चलानी रखो अभी। कौन है? कौन है? रतलाम का शोएब अख्तर बन रहा है। विनीता जी, आप क्या कराटे के साथ साथ क्रिकेट का भी कोच बन गई हैं क्या? वीडू, I love you. वीडू? हाँ, आज से आपका निकनेम लगा ना। अरे क्या कर रहे हैं आप? आपसे प्यार करती हूँ तो आपका हाथ भी नहीं पकड़ सकती। पहले तो एक बात बताइए, कल बड़ा घूम रहे थे अपनी बीवी के साथ, देखकर तो ऐसा नहीं लगा कि वो आपको मारती होगी? अरे तो मार्केट में थोड़ी मारेगी, कमरे में मारती है ना, प्राइवेट में। आप दोनों की केमिस्ट्री देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा था, आपने झूठ बोला ना मुझसे। ठीक ठीक, क्या केमिस्ट्री? उसका सारा बायोलॉजी गड़बड़ा गया है, उसका एक किडनी फेल हो गया, उसी को हाथ पकड़ के डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। क्या? हाँ, अरे जब उसे पता चला ना, बेचारी सदमे में आ गई और पूरा चप्पल मार मार के अपना सदमा उतार, देखिए हल्का टेढ़ा हो गया। फिर मारा? आप फिर भी उनकी सेवा करते हैं? महान हैं आप। यही सब सुन के ना मुझे आपसे और प्यार हो जाता है। चलिए चलिए चलिए, वहाँ जाने की जरूरत नहीं, she is fine now. अरे वहाँ नहीं, आपको पिक्चर दिखाने लेकर जा रही हूँ मैं, मूवी के बाद डिनर पे भी चलेंगे। डिनर से पहले तो डैडी जी कच्चा खा जाएंगे, गॉड सेव मी। अरे अरे हेलमेट उल्टा है। अरे अरे जिंदगी उल्टी हो रही है, दाढ़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, उतरिए तो। नहीं मैं नहीं उतरूंगी। अरे उतरिए ना, दबाए दबाए। अब ज्यादा मत सोचो और भरोसा रखो, पापा तुम्हारे कुकिंग स्कूल के एडमिशन के लिए मान जाएंगे और कर देंगे साइन। ये किस पेपर पे साइन कराने वाली है यार? इतना आसान थोड़ी है यार दीपक, प्रॉपर्टी का मैटर है, इतने आसानी से थोड़ी हाथ में आ जाएगी, टाइम लगेगा। घर हमारा, माया करोड़ों का घर है वो, और माया अभी तो वहां से ना मेट्रो लाइन भी पास होने वाली, फिर तुम देखना घर सिर्फ डबल नहीं ट्रिपल कीमत का हो जाएगा। ध्यान रहे, जब तक तुम्हारे पापा से बात ना हो किसी और को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया और पापा को किसी और के थ्रू पता चल गया तो फिर हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। रंजन आ गया तू? दो घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, वो भी धूप में। कितनी बार फोन भी लगाया, अगर लेट हो रहा था तो कम से कम बता दो देता यार। तुझे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तू दुकान पर ग्राहकों का इंतजार ही तो करता है, ऊपर से वो आते भी नहीं। मैं आ तो गया। देख यार चौधरी, अगर इतने साल पहले किए गए कॉलेज के मजाक को लेकर तू आज भी बुरा मान रहा है और इसलिए मेरी मदद नहीं कर रहा है, साफ साफ बता दे यार। भले ही मैंने तेरे साथ मजाक किया था, लेकिन मजाक मैंने एक ही बार किया था, साल के बाकी दिन तो मैं तेरी मदद करता था ना, हाँ भूल गया? मुझे पैसे कौन देता था? मैं, खाने के भी और घर जाने के भी। अब अगर तू ये सारी बातें भूल गया है तो रहने दे। अरे निरंजन रुक, क्या यार तू आज भी नाक पर गुस्सा लेकर घूमता है? खैर आज तो तूने पैसे गिनाई दिए, चल तेरा एहसान चुका ही देता हूँ, पर ये बता क्या तूने अपने बेटे से पूछा है? मतलब जमाना बदल गया निरंजन, आजकल बच्चे डैडी की नहीं दिल की सुनते हैं, एक बार उससे पूछ तो ले कि वो नौकरी करेगा कि नहीं। मेरे बच्चे बाकी दुनिया की तरह नहीं है, जो मैं कहूंगा वो वही करेंगे, वो आज भी मेरी सुनते हैं।
मम्मी, I just wish पापा को ये सब पसंद आए। वो जरूर सुनेंगे तेरी। तू जा और उन्हें प्यार से खिला। तूने इतने दिल से बनाया है, उनके दिल को जरूर छू जाएगा और वो समझ जाएंगे कि तेरा असली हुनर किसमें है। तेरे लिए शेफ बनने से अच्छा और कोई काम नहीं इस दुनिया में। मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह जानता हूँ। कुछ से ज्यादा मुझे मेरे बेटे पे विश्वास है। क्या बात है, अगर ऐसा है तो ये नौकरी तेरे बेटे की। लेकिन अगर वो नहीं माना तो? मुझे अभी भरोसा नहीं है। तो ठीक है, चल मेरे घर चल, खुद मिल ले वैभव से, उसी से पूछ ले, उसका भी इंटरव्यू ले ले। तुझे पता चल जाएगा चौधरी कि मेरे बच्चे आज भी अपने दिल की नहीं बल्कि अपने डैडी के दिल की सुनते हैं। क्या सोच रहे हो? मैं बता रही हूँ ना, वो प्रॉपर्टी के ही पेपर्स थे। गलती से उन्होंने डैडी जी से साइन करवा लिए, तब तो बैठे ही रहना तुम। सब कुछ हो जाएगा वैभव और श्रेया का। अरे अब ये मुंह क्या बना रहे हो रोहित? हमें चल के पता लगाना पड़ेगा कि ये लोग प्लानिंग क्या कर रहे हैं। बल्कि हाँ, हम एक काम करते हैं, अभी चल के इनके रूम में जाके पेपर्स पढ़ते हैं। चल चल चल। एक मिनट। माया, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो? अरे माया, मैं अपने घर वालों को जानता हूँ अच्छे तरीके से, कभी मुझसे कोई झूठ नहीं बोलेगा। और माया, वो पेपर किसी भी चीज के हो सकते हैं ना, उसमें क्या है? अरे ग्रीन पैकेट में और क्या होगा, लीगल पेपर्स होते हैं रोहित, लीगल पेपर्स, या तो प्रॉपर्टी के या डिवोर्स के। और जैसे वो मैडम वैभव से चिपकी रहती हैं, लगता तो नहीं है कि डिवोर्स के होंगे। बचा क्या, प्रॉपर्टी। माया, सास बहू देख देख के तुम कहानियां बनाने लग गए। ठीक है, तुम्हें डाउट है ना, मैं वैभव से डायरेक्टली पूछ लूंगा कि किस चीज के पेपर है। हाँ, अगर वैभव ने बताने में आनाकानी की तो फिर देख लेंगे। तब तक प्लीज ऐसा सब कुछ भी मत करना, ओके? पक्का पूछोगे वैभव से? अरे पक्का पूछूंगा। माया, एक मिनट। ये देखो माया, इसमें कुछ है। एक और गिफ्ट है मेरे लिए। थैंक यू। क्या है इसमें? ज्वेलरी है? अगर होती तो खोल के दिखाता ना। सरप्राइज है, देखो। और माया प्लीज, मैं अभी लंच टाइम में तुम्हारे साथ कॉफी पीने आ गया हूँ, तो मैं चलता हूँ। ऐसे होटल्स में तुम लंच करते हो, कॉफी पीते हो? नेक्स्ट टाइम 7 स्टार। एंजॉय, मैं जाता हूँ। भाभी, हाय। अरे प्रीति, तुम? सुना मैंने, ये घर में नया क्या चल रहा है? किस चीज के पेपर्स की बात चल रही थी? क्या पता, रोहित बात करेगा वैभव से तो ही पता चलेगा। और वैसे भी मुझे इन पैसे और प्रॉपर्टी, इन सब चीजों में कोई लालच नहीं है। मेरी तो प्रॉब्लम ये है कि हमसे कुछ पूछा क्यों नहीं जाता। मेरे पति की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है यहाँ पर। फिर भी भाभी, आपको क्या लगता है, रोहित भैया जाके वैभव को पूछेंगे और वो बता देगा? कुछ नहीं बताने वाला वैभव उनको। भाभी, ये वही वैभव है जिसने श्रेया के साथ मिलकर रोहित भैया से 11,000 रुपए लिए थे लक्ष्मी भोज के लिए, वो भी बेवकूफ बना के। भाभी, रोहित भैया को कुछ पता नहीं चलने वाला, आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो। वैभव की नौकरी करीब करीब पक्की हो चुकी है। मजे की बात पता है क्या है, उसकी नौकरी के लिए पापड़ मैंने बेले, पर धन्यवाद सविता सबसे पहले आपका करेगी। सही आपका हिसाब किताब, मेहनत हम करें, वाह वाह आपकी हो। जब मेरे साथ बुरा हुआ था ना, तब वो सब अकेले में भुगता था। हाँ, हो सकता है मेरी ही गलती हो, पर ऐसे वक्त में आप किसी के लिए थोड़ी ना कुछ करती है जिसे मेरे लिए कुछ नहीं किया। आप तो अपनी मर्जी से लोगों पे कृपा करती है, किसी किसी पे खूब बरसाती हैं और किसी को खूब तरसाती हैं। बहुत अच्छा लगता ना आपके ये खेल खेलना। खेलिए, चलता हूं।
अरे हाँ वो आएगी अभी आपकी परम भक्त सविता, आपका आभार व्यक्त करने के लिए, आपका नाम जपते हुए। कमाल है ना, दुनिया में लोग हमेशा कहते हैं भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, शायद इसीलिए यही सुन सुन के भगवान अब बस सिर्फ नाम के रह गए, किसी काम के नहीं। जय माँ लक्ष्मी। माँ, निरंजन जी की बात आपको बुरी लगी क्या? इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए माँ, कुछ भी बोल देते हैं पर मन के बुरे नहीं है माँ। मैं इतने सालों से इनके साथ काम कर रहा हूँ माँ, मैं जानता हूँ। माँ क्षमा कर दीजिए, वैसे भी आपकी सबसे बड़ी भक्त सविता जी के पति हैं। माँ इनकी बात हृदय पर मत लगाइएगा। माँ उन्हें माफ करेंगी ना? भाभी पेपर्स कमरे में यहीं कहीं रखे होंगे, आप ढूंढिए ना, मैं देखती हूँ। देखो देखो ठीक से चेक करो जल्दी। कर रही हूँ ना। अरे भाभी जल्दी देखो ना। आ गए। वैभव, वैभव तेरे पापा आ गए। अरे वैभव आप आ गए। अरे नहीं नहीं रेंदो, मेरा दोस्त है ना चौधरी, बचपन का, कॉलेज में था, वो आने वाला है, उसके लिए कुछ अच्छा सा बना के रखना। वैभव जी कमरे में आना। अरे मम्मी ये तो गए, मुझे भी बुला रहे हैं ये फिर का? अरे तो क्या हुआ, तुम्हें ही बुला रहे हैं ना, तो तुम साथ में खाना भी ले जाओ। और वैभव कॉन्फिडेंस, घबराना मत, पापा को मनाने में 90% काम तो तुम्हारा खाना ही कर देगा, बाकी 10% तुम अपना जादू बिखेर देना, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, वो जरूर हाँ करेंगे तुम्हारे शेफ बनने के लिए। यशस्वी भव। अरे जंग में थोड़ी जा रहा हूँ मम्मी। नहीं 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 जंग में ही जा रहा हूँ। हाँ। आप दे दो जितना आशीर्वाद दे सकते हो दे दो। हाँ। बस बस आशीर्वाद काफी है, ये लो और जल्दी जाओ जाओ जाओ। ऑल द बेस्ट, मानेंगे वो। माँ, लक्ष्मी माँ, माँ माँ लक्ष्मी माँ, माँ अपने भक्त सविता जी के बुलाने पर भी क्यों नहीं जा रही है? क्या अभी भी उनके पति के बातों से आप क्रोधित हैं माँ? पता नहीं कहाँ रख दिया इसने। अभी लगता है आप मुझसे मेहनत करवा के छोड़ोगे। क्या कर रही हो? अरे यार ये तुम मरवाओगी आज। मैं ही देखती हूँ। आई मम्मी।
प्रीति वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अरे मेरा आप यहाँ क्या कर रही है? वो मेरे रूम में ना नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं तुम्हारे रूम में आ गई। ठीक है, पर आपका फोन कहाँ है? गॉड, देखो ना, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ ही रहता है आजकल। नेटवर्क कर रही हूँ और फोन तो रूम में ही छोड़ के आ गई। ठीक है, अभी आप खड़े क्या हो? श्रेया चली गई, एक बार ढूंढो ना। इस बार तुम रहने ही दो, तुम अंदर मत आना, मैं ढूंढती हूं। मिल गया? हाँ मिला। प्रॉपर्टी के पेपर्स है? अरे नहीं, मैं तो फालतू में ही शक कर रही थी। ये तो किसी कुकिंग स्कूल का एडमिशन फॉर्म है। कुकिंग स्कूल? हाँ देखो, वैभव का नाम भी लिखा है इस पर। शायद इसी पे उन्हें पापा के सिग्नेचर चाहिए होंगे। मेरी तो जान में जान आ गई, तो फालतू में ही डर रही थी कि ये दोनों मिलके कहीं घर हड़पने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे। थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाभी, मुझे लग रहा है कोई दरवाजे पे, अब जाके चेक करूं। लीजिए भाभी, अब आप तो चिल कीजिए, पति प्यार प्रॉपर्टी सब सलामत है, सिर्फ मेरा हाथ तोड़ दिया। चलिए मैं चलती हूँ। हाँ जाओ। पापा ये खाना, पापा ये खाना मैंने बनाया है। लगता है पापा ने नहीं सुना। ओह अच्छा है, पहले खिलाता हूँ फिर बताऊंगा कि मैंने बनाया है। पापा आ? अरे वैभव, मैं कभी कभी गुस्से में तुझे डांट देता हूँ, तुझे बुरा तो नहीं लगता ना वैभव? नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं। आप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? मुझे पता था कि मेरी बात का तू बुरा कभी नहीं मानेगा, और वैसे भी मैं तेरे भले के लिए तो डांटता हूँ, है ना? तुझसे मिलने के लिए कोई आने वाला है, मैंने तेरी नौकरी की बात की है। ये मैं लेकर आया हूँ तेरे लिए, ये बैग, ये वाली बैग ना आजकल मार्केट में ऐसी वाली चल रही है। ये लाया था, और ये कपड़े, ये देख, इसमें पैंट भी है, शर्ट भी है, और ये टाई, देख ये टाई जो है ना, ये टाई तुझ पे कितनी अच्छी लग रही है, बहुत जचेगी।
मुझे पता है, वैसे तो तेरे पे हर कपड़ा बहुत अच्छा लगेगा, पर मेरा सपना है कि मैं तुझे इन कपड़ों में देखूं। मेरा सपना तो पूरा करेगा ना वैभव? वो छोड़, ये ले। देर क्यों हो रही है? कहीं वैभव ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? कहीं पापा भड़क तो नहीं गए उस पे? तू ना उल्टा ही सोच, ये भी तो हो सकता है कि उसके हाथ का खाना खाके खुश होके उसे गले लगा लिया हो। आप ना दिल बहलाने के लिए मत कहिए, आपको भी अंदर से बहुत डर लग रहा है, मुझे पता है। मैंने तो पहले ही कहा था वैभव को अंदर नहीं जाना चाहिए। अरे पर आपका ही तो आइडिया था मम्मी। मेरा सिर्फ खाना बनाने का आइडिया था, खिलाने का आइडिया तुम्हारा था। तो फिर और कौन खिलाता? आप शेफ उसे बनाए आपको? 30 साल से इस घर की शेफ बनी घूम रही हूं मैं। अब छोड़िए, मैं कुछ दिखाती हूं आपको। ये देखिए शेफ्स कैप, बहुत अच्छा लगेगा ना वैभव पे? शेफ के ड्रेस में कितना अच्छा लगेगा ना वैभव? ये क्या है? ये पापा लाए मेरे लिए नए कपड़े ऑफिस जाने के। ऑफिस? जी, उन्होंने शायद किसी से बात की है मेरे जॉब के लिए, उनका कहना है कि ये मेरी जॉब कंफर्म है। तुमने क्या कहा? यही कि थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। ये तू क्या कह रहा है? और तेरे हाथ का बना खाना नहीं खिला पाया मम्मी, नहीं खिला पाया। मेरी जॉब लगने की उनको इतनी खुशी थी ना कि मैं उस खुशी को बिगाड़ नहीं पाया, बस हाँ बोला और चुप था, नहीं खिला पाया उन्हें और ना ही अब कुछ बोलूंगा। पर वैभव, तुम्हारे शेफ बनने का सपना? सपना श्रेया, पापा का भी तो है ना, जो उन्होंने मेरे लिए देखा था। और मेरे सपने पूरे करने के लिए नहीं पता अपने कितने सपने उन्होंने पीछे छोड़े होंगे। नहीं मम्मी, मैं अब करूंगा जैसा वो कहेंगे। वो चाहते हैं ना कि मैं टाई लगा के जॉब करूं, नौकरी में जाऊं, मैं वो करूंगा और उतना तो कर सकता हूं मैं अपने पापा के लिए, है ना? अब आप दोनों एकदम खुश हो जाइए, घर के एक और बेटे को नौकरी लगने वाली है।
करेंगे मम्मी? नमस्कार भाभी जी। नमस्ते। मैं चौधरी। अच्छा आइए आइए आइए। कुछ नहीं बदला, बचपन से घर वैसे का वैसा ही है। आप तब से जानते हैं इन्हें? अरे मेरा और रंजन का साथ तो बहुत पुराना है भाभी जी। बैठिए भाई साहब। हाँ जी। वानी वानी यहाँ। हाँ मुझे पता है, इसकी एक टांग लड़खड़ाती है, सालों से लड़खड़ा रही है, कुछ नहीं बदला। श्रेया, वैभव के पापा को मनाने का तरीका मिल गया। क्या भाई साहब, आप तो इनके पुराने दोस्त हैं, इन्हें खूब अच्छी तरह से जानते होंगे। खेल कूद, लड़ाई झगड़े, प्यार सब आपने एक साथ ही किया होगा, और दोस्तों की बात ही कुछ और होती है। इंसान घर वालों की नहीं सुनता, लेकिन दोस्तों की फट से सुनता है। वैभव के पापा को आप ही मना सकते हैं, हमारी तो वो सुनेंगे नहीं। उठो मम्मी, क्या कर रही हैं आप? वैभव की कुकिंग की बात आप इनके थ्रू करवाएंगे? नहीं नहीं, ये गलती मत करना प्लीज। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। भाई साहब, मेरा छोटा बेटा वैभव खाना बहुत अच्छा बनाता है, बड़े बड़े खानसामों जैसा। हम भी चाहते हैं कि वो वही बने, खानसामा मतलब शेफ। ओ। ये नौकरी वोकरी उसे नहीं करनी है। अरे चौधरी तू आ गया, श्रेया बेटा वैभव को बुलाना। रहने दे रंजन, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सच में कुछ नहीं बदला। तेरे पिताजी के टाइम से ही तू ऐसे ही बेखबर घूमता था, और आज भी तुझे खबर नहीं कि तेरे घर में क्या चल रहा है। तू तो कह रहा था ना कि तेरी बात तेरे बेटे के लिए पत्थर की लकीर होती है, तू जो कहेगा वो करेगा। हाँ करेगा। अपने आंखों से पट्टी उतार निरंजन, जो तू कह रहा है ना वैसा तेरा बेटा कुछ नहीं करने वाला। बड़ा बेटा बेटा कर रहा था ना तू? अरे अपने बेटे की दिल की बात भी पता है तुझे? तेरा बेटा नौकरी नहीं करना चाहता, तेरा बेटा शेफ बनना चाहता है। अरे जिस लड़के को नौकरी करनी नहीं है, उसकी नौकरी के लिए तो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। अच्छा हुआ भाभी जी ने मुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा चलता हूँ भाभी जी। और कितनी बेइज्जती करवाओगी तुम? मुझसे बात करने से पहले एक बाहर वाले को तुमने सब कुछ बता दिया। मुझे लगा आपके बचपन का दोस्त है, इसलिए। दुकान पे क्या बैठने लगी हो समिता? खुद को महान ही समझने लगी हो तुम? मैं तो कुछ हुई नहीं। ऐसी बात नहीं है। तो बताया क्यों नहीं? देखिए बस, मुझे पता है कि तुम मुझे क्यों नहीं बताती, क्योंकि तुम मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। सबकी नजरों में तुम ही हो ना महान, तुम्हें आता है सब। देख रहा हूं मैं, मजा आता है तुम्हें मुझे नीचा दिखा के, हर चीज में मुझसे आगे चलने में अच्छा लगता है तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है पापा, वो आपसे आगे नहीं आपके साथ चलना चाहती है। श्रेया चुप करो। नहीं नहीं बोलने दो ना इसे, मैं तो बना ही हूं सबके सुनने के लिए। ये मेरा और काम ही क्या है, तुम ही हो जिससे सब प्यार करते हैं, जिससे सब समझते हैं, जिसके साथ सब खड़े रहते हैं। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, बेकार निठल्ला निकम्मा। एक निठल्ले नालायक का कौन साथ देता है? एक तो मर मर के चौधरी के हाथ पैर जोड़ के भीख मांग के वैभव की नौकरी का इंतजाम किया,
तुम्हें तो उससे शेफ बनाना है, रसोईया। सही कह रहा था ये चौधरी। मैं गलत फहमी में ही जी रहा हूं। इस घर में मुझे कोई नहीं पूछता, कोई वैल्यू नहीं है मेरी। मम्मी, श्रेया तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए था। और गुस्सा हो गई। एक समझदार बहू सास ससुर के बीच में नहीं बोलती। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपने ही मुझे आपको माँ कहने के लिए कहा था ना। अगर सास कहने के लिए बोल देती तो बहू चुपचाप खड़ी रहती, लेकिन बेटी बेटी कैसे चुप रहती मम्मी। और पापा को आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी ना। हर वक्त आपकी गलती थोड़ी ना होती है। माँ, लक्ष्मी माँ, माँ, माँ आप आ क्यों नहीं रही है? माँ मुझे दर्शन दीजिए, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मम्मी पापा की सुलह के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। माँ, निरंजन जी की बातों का दंड इन्हें क्यों दे रही है? कुछ बताइए ना माँ, चुप क्यों? माँ उत्तर दीजिए ना माँ। अरे आइए तो, वैभव कहाँ लेके जा रहा है? नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आप यहीं पर। अरे जाओ जाओ, ये सब करना जरूरी है। अरे मम्मी, ऐसे शरीफ होने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ? थोड़े तो जलवे दिखाने पड़ेंगे। ये लो 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 मम्मी, पकड़ो लो और जाओ 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 जाओ। बच्चे सोच रहे थे, बच्चे नहीं, मैं सोच रही थी कि हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए बाहर चलेंगे ना तो आपका भी मूड ठीक हो जाएगा, तो चले। सॉरी। मुझे कहीं नहीं जाना। पापा प्लीज, वो मम्मी ने आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है, प्लीज मना मत करना। पापा हाँ, प्लीज प्लीज मना मत कीजिए। अरे बड़े प्यार से अरेंज किया है, प्लीज पापा। पापा प्लीज प्लीज। अरे बैठे क्यों हैं? चलिए रेडी भी तो होना है। चलिए पापा उठिए 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 उठिए, चलो 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 चलो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको भी तो रेडी होना है। मैं तो रेडी, ऐसे थोड़ी, आपको तो हीरोइन बनाना है। चलो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। चलो चलो उठो। नहीं नहीं, मुझे नहीं हीरोइन। उठो चलो, मुझे नहीं बनना हीरोइन। मम्मी ठीक हो श्रेया, क्या कर रही हो? चलो। हेलो भाभी। हाँ बोलिए। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, टीवी देख रही थी। तुम ना बस टीवी देखती रहना। अरे
बाहर निकलो, एंजॉय करो, बॉयफ्रेंड वगैरह बनाओ। लास्ट टाइम कब गई थी तुम डेट पर? अरे क्या हो गया भाभी आपको? ये सब करने की उम्र तुम्हारी है ना, अब तुम्हें ये सब करते देखती तो खुशी होती ना मुझे। अभी जिन्हें देख के आ रही हूँ, दिमाग ही खराब हो गया मेरा। अरे रिलैक्स रिलैक्स, कौन जा रहा है डेट पे? मम्मी जी और डैडी जी। अरे वाह, अरे भाई साहब कहाँ पर बैठना है? सर आप कहीं भी बैठ सकते हो, आज पूरा रेस्टोरेंट सिर्फ आप दोनों के लिए बुक्ड है। क्या सविता, ये सब कमाल है। ये मेरा नहीं, बच्चों का कमाल, वैभव और श्रेया ने किया ये। अरे वैभव, मैडम अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है और ताजा खबर ये है कि क्या कि घर पे कोई नहीं है। हाँ पता है, तो ये कि घर पे कोई नहीं है, तो घर में कोई नहीं है। सुनो तो? सुनो सुनो तो मैं अरे जानता हूं सविता, तुमने अपने जीवन में बहुत कमियां महसूस की है पर कभी बोला नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं वो कमियां कभी पूरी कर पाऊंगा या नहीं, पर हां कोशिश हमेशा करता रहूंगा और इसीलिए पहली शुरुआत अब से होगी। आई लव यू। तुम्हें नहीं कहना। सुनो मुझे जवाब भी इंग्लिश में चाहिए। आई लव यू टू। आज मैं बहुत खुश हूं सविता, आज तुम मुझसे जो मांगोगी ना मैं मना नहीं करूंगा। कुछ भी मांग सकती हो? हाँ कुछ भी। इससे अच्छा मौका वैभव के शेफ बनने की बात करने का नहीं मिलेगा। कौन अननोन नंबर से कॉल कर रहा है? हम कहाँ थे? मैं कह रही थी वो वैभव उठा लीजिए, कोई जरूरी कॉल हो सकता है। हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं है, मैं बाहर से बात करके आता हूं। हेलो हेलो हेलो, अरे भाई वैभव तुम्हारी वजह से मेरा सपना टूटा था, अब वैसे ही मैं भी तुम्हारा ये शेफ बनने का सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। वैभव अब शांत हो जाइए। चुप रहो तुम। वैभव जी, जी बाबा। तुझे लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तेरा बचपना समझ के जाने दिया पर रसोईया बनना है तुझे? कुकिंग का कोर्स करेगा, बावर्ची बनेगा, बोलता क्यों नहीं? हाथ नहीं उठाएंगे आप।
हट जाओ सविता। नहीं हटूंगी। क्या गलती है इसकी कि ये अपने मन की करना चाहता है? जमाना बदल गया है, दुनिया क्या क्या कर रही है, और अगर हमारा बेटा कुछ हटके करना चाहता है तो इसमें गुनाह क्या है? हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बेटा एक अच्छी सी नौकरी करे, चार पैसे कमाए, खुश रहे, सुखी रहे। लेकिन हमारे बेटे की खुशी अगर नौकरी करने में नहीं है तो उसमें जबरदस्ती क्यों कर रहे आप? पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, हर इंसान की अपनी अलग खूबी होती है, और वैभव ने अपनी खूबी पहचान ली। उसका यही हुनर है। उसे मंदिर में दिखते, उसे खाने में भगवान नजर आते हैं। और सोचिए, जो काम वो काम की तरह ना करके भक्ति की तरह करेगा तो कुछ कमाल ही करेगा ना। अगर उसकी जगह आदित्य होती और उसने ये चुना होता तो आप उसे मना करते? नहीं ना, क्योंकि बेटियां अगर खाना बनाती है तो माँ बाप का सर ऊंचा हो जाता है, और बेटे बनाएंगे तो नाक कट जाएगी। आपने भी इसके हाथ का खाना चखा है, आपको भी अच्छा लगा था। बस करो तुम सविता, तुम दोनों माँ बेटे मिलकर मेरे सर पे नाचो मत। हटो सामने से, आज इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ मैं। आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। मेरा बेटा उसके सपने पूरे करने जा रहा है, उसकी माँ किसी को बीच में नहीं आने देगी। तुम रोकोगी मुझे? तुम रोकोगी? मैं अकेली नहीं हूं, समझ लीजिए लक्ष्मी माँ खुद मेरे साथ है। बस यही है पूरी मुसीबत की जड़, तुम्हारी लक्ष्मी माँ। आप लक्ष्मी माँ के लिए ऐसे शब्द मुंह से मत निकालिए। क्यों? क्यों ना कहूं मैं? क्या तुम्हारे इस घर को खजाने से भर दिया तुम्हारे लक्ष्मी माँ ने? धन संपत्ति की देवी बनती है, पर आज तक तुम्हें दिया क्या? हाथ फैला इतने सालों से खड़ी हो, पर तुम्हें अब तक मिला क्या सविता? कुछ नहीं, सिर्फ शून्य। पूजा कर करके घर तो खाली कर ही दिया, पर अब भक्ति कर करके अकल भी तुमने अपनी खाली कर दी सविता। इसलिए अपने बेटे की इन फजूल बातों में तुम मदद कर रही हो। आपको जो कहना है आप मुझे कहिए, लेकिन लक्ष्मी माँ के लिए ऐसे शब्द मत उच्चारिए। क्यों ना कहूं? बर्बाद करके रख दिया मेरे इस घर को, तुम और तुम्हारी ये लक्ष्मी माँ दोनों ने। ठीक है,